ये कहानी एक पेंशन एक्सक्लूसिव कहानी है। इसका मतलब ये है कि ये कहानी आपको पेंशन के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। बचपन का हिस्सेदार रिचा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज 7 साल के बाद वो घर लौटी थी, और घर लौटते ही उसे ये सब देखना पड़ा। मुझे, या यूं कह लीजिए कि मेरे शरीर में जो कुछ भी बचा था, उसे ऐसे निर्जीव सा पड़ा देखकर वो अपनी सुध बुध खो बैठी थी। और ठीक ही तो है, इतने बड़े हंसते खेलते परिवार में मैं उसका चहेता था। मैं उसके बचपन का बराबर का हिस्सेदार था। बचपन में जब भी उसकी माँ उसे डांटती थी तो वो दौड़ कर आती थी और मेरे पास छुप जाती थी। अपनी तुतलाती सी जबान में सबकी शिकायत किया करती थी। जब भी उसके गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाई जाती थी तो मेरी उपस्थिति बिल्कुल ज़रूरी होती थी। उसकी रसोई में बने मिट्टी के खाने को भी मेरी स्वीकृति ज़रूरी होती थी। जब बारिश होती थी तो मेरी रिचा चहक उठती थी। हम दोनों साथ बैठकर बारिश का मस्त प्यारा सा एहसास महसूस करते थे। कितनी ही रातें हमने साथ बैठकर चांद तारे देखे हैं, या फिर खाली आसमान भी देखा है। उन 7 सालों पहले जाते जाते भी वो मुझसे मिलकर गई थी। अगर मुझे पता होता कि मैं उसे आखिरी बार देख रहा था तो मैं उसे जी भर के देख लेता। उसकी वो हंसी, उसकी वो छवि आज भी मेरे जहन में बसी हुई है। इन 7 सालों में मैंने ये स्वीकार कर लिया था कि वो मुझे भूल गई होगी, पर मैं गलत था। मुझे लगता था कि जिन कंधों पर बैठकर उसने ऊंचाइयों को छूने के सपने देखे, जिस गोद में खेलकर उसने सुरक्षा का अनुभव करना सीखा था, जिस छाया में उसका बचपन बड़ा हुआ था, उसे वो भूल गई होगी, पर मैं गलत था। ये तो उसके बचपन का मासूम प्यार है, वरना अपने आंगन के पेड़ को कौन जिंदगी भर याद रखता है। रिचा के जीवन में मेरी क्या अहमियत है, मुझे कैसे याद रखेगी वो। मैं तो बस एक मामूली सा पेड़ था, पर मैं गलत था। रिचा की आंखों के मोती मुझे ये एहसास करा रहे थे कि इस हालत में भी मैं सिर्फ एक मामूली पेड़ ना होकर वही उसके बचपन का हिस्सेदार हूँ। उस रात वो मेरे पास से बिल्कुल नहीं हिली, न जाने कब रोते रोते सो गई। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो वह जा चुकी थी। मैंने पूरे दिन उसकी राह देखी, पर वो वापस नहीं आई, ना उस दिन, ना उस हफ्ते, ना अगले 3 महीने। इस बात को 4 महीने होने को थे कि अचानक एक दिन वो लौट आई। इस बार वो अकेले नहीं आई थी, उसके साथ कुछ और लोग भी थे। मेरी उखड़ती हुई सांसों को मानो ठंडी हवा का झोंका मिल गया हो। वो आई, मेरे पास बैठी और एक डायरी खोलकर मुझे कुछ दिखाने लगी। कहती, दादा मैं आपको तो नहीं बचा पाई, पर मेरे लिए आपकी यादें भी बहुत अनमोल हैं। ये देखो, ये जितने पेड़ आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे हरे हरे, ये सब मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर लगाए हैं आपकी याद में। जो आपके साथ हुआ वो हम किसी और के साथ नहीं होने देंगे। मैं जानती हूँ कि ऐसा करने से आप तो वापस नहीं आ सकते, पर आपकी यादें भी मेरे लिए उतनी ही अनमोल हैं। आपके रिचा आपको हमेशा याद रखेगी। हम सुना करते थे कि हर एक की ज़िंदगी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होता है। ईश्वर हर किसी के लिए एक योजना बनाते हैं, और हम सभी की जिम्मेदारी होती है कि हम उसमें अपना भाग अच्छे से अदा करें। पर मुझे कभी इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ था। एक छोटे से मामूली से पेड़ का इतनी बड़ी सृष्टि के बड़े ईश्वर की बड़ी योजना में क्या योगदान हो सकता है। पर मैं गलत था। रिचा की डायरी में उन छोटे छोटे पौधों की तस्वीर मुझे कुछ और समझा रही थी। वो तस्वीरें मुझे बता रही थी कि छोटे से छोटे जीवन का भी उस विधाता की कहानी में छोटे से छोटा योगदान हो ही सकता है। ये कहानी थी बचपन का हिस्सेदार, एक पेंशन एक्सक्लूसिव कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद पेंशन। स्टे गोल्ड।